Hello everyone welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS yes. and in the series of the question of the day for UPSC CSAT aspirants today we are going to discuss a very important question that was asked in UPSC CSAT exam of 2022 what was the question question was based on uh, denominations in rupees okay So ab dekho, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आते हैं सभी ने ध्यान से देखना द क्वेश्चन क्वेश्चन इज ए बिल फॉर एटीन इज़ पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी टेन एंड ट्वेंटी रुपीज फिफ्टी रुपीज के नोट है कुछ ट्वेंटी रुपीज के नोट्स हैं कुछ टेन रुपीज के नोट्स हैं ओके फिफ्टी नोट्स आर यूज

टिफ्टी रुपीज हो गई रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास में दैट इज हाउ मच एटीन फोर्टी थी और उसके अंदर से उसने कहा ट्वेल्व फिफ्टी का हमने यूज कर लिया है तो कितनी अमाउंट हो गई आपके पास में यस दिस इज फाइव नाइन्टी रूपीज अब हम कहते हैं कि टोटल कितने नोट्स यूज करने हैं उसने फिफ्टी नोट्स यूज करने हैं एंड ही हैज हैजरेडी यूज नोट्स है वो अगर मैं मैक्सिमम क्या कर सकती हूँ 20 के ले सकती हूँ अगर हमने ज्यादा से ज्यादा इनकी डिनोमिनेशन यूज करनी है तो अगर मैं ट्वेंटी नोट्स लेती हूँ रिमेनिंग ट्वेंटी के तो मेरे पास में कितना बना यस दिस इज फाइव हंड्रेड बट आई हैव टू पे फाइव नाइन्टी रुपीज दैट मीन्स वी नोट्स के अंदर में पेमेंट नहीं, नहीं कर सकती नहीं कर सकती दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग जो सेनिंग पेमेंट है that is of 590 रुपीज, 590 उसने देने बट अगर वो सभी के सभी पच्चीस रिमेनिंग नोट यूज करता है बीस बीस रुपए के तब भी पेमेंट नहीं हो पाएगी क्लियर अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की सेकेंड में क्या कह रहा है थर्टी फाइव नोट ऑफ ट्वेंटी थर्टी फाइव नोट्स उसने लिए कितने कितने के ट्वेंटी रुपीज के That means कि कितने उसने पे कर दिए हंड्रेड रुपीज ओके दैट मीनस की जो रिमेनिंग अमाउंट है कितनी रहेगी एटीन फोर्टी था उसमें सेवन हंड्रेड उसने पे कर दिया दैट मीन्स इलेवन फोर्टी रुपीज उसने और पे करने एंड दिस इलेवन फोर्टी रुपीज विल बी पेड इन फिफ्टी एंड टेन फिफ्टी एंड टेन मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ट्वेंटी थर्टी फाइव नोट तो वो ऑलरेडी यूज कर चुका है और उसने क्या कहा टोटल फिफ्टी नोट्स ही यूज करने अगर मैं बाकी के सारे नोट्स फिफ्टी फिफ्टी के भी लेती हूँ कितने नोटीन नोटी फिफ्टी रुपीज के तो भी कितना पे कर पाऊंगी सेवन फिफ्टी रुपीज बट द अमाउंट इज वट यस अमाउंट इज इलेवन फोर्टी दैट मीन्स कि हम पे कर सकते हैं बिल नहीं बिल पे होगा ओके दैट मीन्स की सेकेंड इज अगेन रोंग पॉइंट इज क्लियर अब उसके बाद में अब आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे अब अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करती हूं तो यहां पे क्या कह रहा है ट्वेंटी नोट्स उसने टेन टेन रुपीज के यूज कर लिए ट्वेंटी नोट्स कितने के टेन टेन रुपीज के ओके okay? अगर उसने ट्वेंटी नोट रुपीज के नोट यूज कर लिए दैट मीन्स के टू हंड्रेड रुपीज हो गए हंड्रेड रुपीज होगी। अब जो बाकी का है बाकी की अमाउंट जो अमाउंट है वो उसने किससे पे करनी है एंड yes. के नोट से। तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास में कितना बच गया रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया आपके पास में यस दो सौ रुपए चले गए ये हो गया आपके पास सिक्सटीन फोर्टी डन अब अगर कहते हैं कि जो बाकी के नोट्स सारे के सारे नोट्स किसके यूज कर ले हम 50 50 के हमें कितने नोट यूज करने ओवरऑल 50 20 नोट तो उसने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं दैट मींस व्हाट की बाकी कितने यूज कर सकते हैं हम 30 नोट्स 30 नोट्स यूज कर सकते हैं और अगर मैं सारे के थारे 30 नोट्स अगर हम कहते हैं कि सारे के सारे जो 30 नोट्स हैं मैं 50 50 के ले लेती हूँ तो अभी कितनी अमाउंट बनेगी मेरे पास में फिफ्टीन फिफ्टीन हंड्रेड और मुझे पे कितना करना है दैट दैट अगेन पे कर कर किससे भी नहीं क्लियर अब यहाँ पे ये भी आपको पेंडिंग भी निकालने की जरूरत नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो ये देखो अगर मैं इसका टोटल करती हूँ यहाँ से हम देखते हैं कि हम अगर इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पे देखो 1840 बन रहा है नहीं बन रहा दिस इज 1840 नहीं बन रहा दिस इज 1840 नहीं बन रहा है देर इज नो नीड टू राइट दिस वन आल्सो डरस्टैंडिंग सो आई होप सभी को क्लियर है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो सी सेट के अंदर हर बार डिनोमिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है हाँ जी मनी से रिलेटेड डिनोमिनेशन के क्वेश्चन हर बार आते हैं ओके okay? तो इस तरह के क्वेश्चन पे सभी ने प्रैक्टिस करनी okay? And aspirants जो 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 है ओके एंड द एस्परेंट जो ज्वाइन करना चाहता है कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कोर्स फॉर सी सेट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है यू कैन ऑल्सो टेक द ट्रायल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ओके एंड फॉर द मोर इंफॉर्मेशन यू कैन पुट योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो अगर आपको लगता है दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू इन दैट केस यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स यू कैन ऑल्सो लाइक इफ यू विश ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक यू